मैं हूं सचिन त्यागी और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट स्टूडियो। सर फाइनली मनीष सर घर पे एंट्री कर चुके और काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं और कहीं ना कहीं फूफा सा ने उनका कॉलर पकड़ लिया, तो सीन जानना चाहिए कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। किसे अच्छा लगेगा कि कोई एक इंसान बाहर से आ गई और आपके पूरे परिवार के सामने आपकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी और आपको भला बुरा कहना शुरू करके बेइज्जत करे, तो वो अपनी जगह सही है। बाकी जब तक अपनी गलती का एहसास नहीं होता तब तक तो इंसान सही है, तो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि हमारे घर में घुस के हम पे हेगड़ी छाड़ रहे हो। मनीष अपनी जगह इसलिए सही है क्योंकि एक बच्चे के साथ बुरा हो चुका है जिससे उसका दिल का रिश्ता था और वो सारी दुनिया जानती है कि क्या रिश्ता था, बस मनीष नहीं जानता लेकिन उसका दिल जानता है। वो मनीष इसलिए आया है यहाँ ये बताने के लिए कि मैं सही के साथ खड़ा रहूँगा, बाकी अपनी अपनी नजर में तो सभी सही है। तो क्या लगता है मनीष सर जो है रूही की जिद के आगे झुकेंगे, क्या उसे शादी करने देंगे अरमान से? क्या है मामा की जिद, बच्चों की जिद के आगे सब झुक ही जाते हैं उनकी खुशी के लिए और फिर बच्चे भी थोड़ा सा दुखी रहते हैं और माँ बाप भी उनके साथ ही दुखी रहते हैं, वो थोड़ा सा रोएगी हम भी रो लेंगे साथ में अगर झुक गए। सर फैंस जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जब भी आप स्क्रीन पर आते हो एक अलग ही उस एपिसोड का एक अलग ही लेवल पहुँच जाता है, तो वो फैंस के लिए जो आपको इतना प्यार करते हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे? जो प्यार करते हैं, जो चाहते हैं या जो नापसंद करते हैं किसी भी वजह से, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार का नहीं उससे का रिश्ता है ना, लेकिन रिश्ता तो जुड़ा, आप अपना समय दे रहे हैं हमारे बारे में सोचते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी देखते रहिए।